हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन जब तब दान स्नान श्रद्धा तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। इस दिन तिल खाने और उसे दान करने का एक विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम से शुरू हुई थी। लोहरी के बाद पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। मकर संक्रांति के साथ ही खर मास खत्म हो जाएगा। इसी के साथ शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस साल मकर संक्रांति से ही प्रयागराज में कुंभ मेले की भी शुरुआत हो जाएगी। मकर संक्रांति पर बच्चों के लिए कई जगहों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। इस पर्व पर लोग पतंग उड़ाते हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू खाने का विशेष महत्व है। लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान अक्षय फलदायी होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए इस दिन न सिर्फ तिल से सूर्य देव की पूजा की जाती है बल्कि किसी न किसी रूप में उसे खाया भी जाता है। है तिल्ली पापड़ी 200 रुपए किलो है, फल्ली पापड़ी 160 रुपए किलो है, 180 रुपए किलो भी दे देते हैं, 100 रुपए किलो भी देते हैं। बुरा लड्डू कोई विशेष नहीं, जो जैसा है वैसे सेम बिकता है हमेशा। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम के समय में शुरू हुई थी। मकर संक्रांति के दिन ही श्री राम ने पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। अहमदाबाद कलकत्ता यहाँ की पतंग आएंगे झिल्ली की कागज की 30 रुपए से चालू है 30 रुपए तक। बरेली तांत यही सब मंजे चलते हर साल जो अच्छे बढ़िया। बस बच्चों की जिद थी, कल मकर संक्रांति पतंग उड़ाना था तो आ गए लेने। बहुत बढ़िया लग रहा है, कल मजा आएगा पतंग उड़ाने में। बच्चे मैं वाइफ सभी उड़ाते हैं, सभी इंजॉय करते हैं। पतंगे तो ऐसे भैया, पतंगे की वैरायटी बहुत सारी है। 2 रुपए से लेकर 150 रुपए की पतंग है मेरे पास है। उसमें कम से कम 50-60 वैरायटी है। कागज की है, पॉलिथीन की है, डिजाइनर है, कपड़े की पतंग भी है जो आजकल चलती है बहुत। जो वो सब वैरायटियाँ हैं। मंजे की वैरायटी बहुत सारी है, छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम हैं। पतंगे कुछ रायपुर की है, कुछ अहमदाबाद की, गुजरात और कुछ कलकत्ता की है। Log on to www.clips.in.